साल 2022 कुछ स्टार्स के लिए लकी नहीं रहा है, खासकर अक्षय कुमार के लिए। जहां अक्षय ने पिछले साल यानी 2021 में ब्लॉकबस्टर फिल्में दी थी, तो वहीं 2022 में उनकी 5 फिल्में आईं, जिनमें से 4 फिल्मों का नाम है सम्राट पृथ्वीराज, बच्चन पांडे, रक्षाबंधन और राम सेतु। ये सभी फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज हुई, पर अफसोस कि ये चारों फिल्में फ्लॉप साबित हुई है। वहीं अक्षय कुमार की 5वीं फिल्म कठपुतली OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज की गई थी, पर अफसोस कि यह भी दर्शकों को ज्यादा पसंद नहीं आई। लेकिन आने वाले समय और फिल्मों के लिए अक्षय कुमार कुछ नया प्लान लेकर आए हैं। और क्या है वो नया प्लान, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल अक्षय कुमार ने आज यानी बुधवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर की है, जिसमें उन्होंने अपने नए प्लान को लेकर कुछ रिवील किया है। तो जरा आप भी देख लीजिए ये वीडियो। कुछ नया करने जा रहा हूँ, काफ़ी मेहनत की है, बहुत समय से कर रहा हूँ, आप लोगों से शेयर करता हूँ, बताता हूँ, कमाल की चीज़ है, देखिए। तो जैसा कि आपने देखा, अक्षय कहते नजर आते हैं कि मैं कुछ नया करने वाला हूँ, काफी मेहनत की है और बहुत समय से कर रहा हूँ, आप लोगों से शेयर करता हूँ, बताता हूँ, कमाल की चीज है। वहीं अक्षय ने इस वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि कुछ नया करने में जो मजा है उसकी बात ही कुछ और है, आगे की जानकारी जल्द मिलेगी। अब अक्षय ऐसा भी क्या नया करने जा रहे हैं, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। लेकिन अक्षय की इस वीडियो पर लोग भर भर के कमेंट कर रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि अब हेरा फेरी कर डालो, तो वही दूसरे यूजर ने लिखा बॉलीवुड का खिलाड़ी अपने पुराने अंदाज में आ रहा है। वही एक यूजर ने तो अक्षय को नसीहत देते हुए ये लिखा कि कुछ भी करना, रीमेक मत करना बस। वहीं अब अक्षय की वर्क फ्रंट की बात करें तो रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा था कि अक्षय 3 सुपरहिट फिल्में हेरा फेरी, अवारा पागल दीवाना और वेलकम के सीक्वल में काम करने का प्लान बना रहे हैं। हालांकि अभी तक इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आई है। अभिनेता के आगमी प्रोजेक्ट्स की बात करें तो यह जल्द ही OMG 2, सेल्फी, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, गोरखा और राउडी राठौर 2 जैसी फिल्मों में नजर आने वाले हैं। अब आप अक्षय की किस फिल्म का इंतजार कर रहे हैं, हमें कमेंट्स में बताना ना भूले। फिलहाल आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी मूवी अपडेट्स और बॉलीवुड जगत की तमाम अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा चैनल मीडिया दरबार एंटरटेनमेंट। धन्यवाद।